हेलो दोस्तों, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं टैरो रीडिंग की फ्री क्लासेस, जहां पे मैं आपको थ्री कार्ड सिखा रही हूँ, येस और नो सिखा रही हूँ, और अभी हम कवर कर रहे हैं मेजर आर्कानास। तो मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर फॉर और मोर देन 30 ईयर्स। मेरे को 30 साल हो गए हैं रेकी सिखाते हुए, और टैरो कार्ड मेरे को लगभग 20 साल हो गए हैं, लगभग 22 साल आई वुड से, क्योंकि 2000 में मैंने पहली बार टैरो कार्ड सीखा था, तो ऑलमोस्ट 23 साल होने वाले हैं। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ और क्रिस्टल हीलर भी हूँ। तो दोस्तों, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी बताती हूँ और होलिस्टिकली ट्रीट करती हूँ किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या वो लव एरिया में है। तो हम जो है आज कार्ड को समझ रहे हैं, वो आज का जो हमारा मेजर आर्काना है वो हर्मिट है। तो ये हर्मिट को आप देखिए, ये 10वां कार्ड है वैसे, और उसके ऊपर रोमन न्यूमेरिकल में 9 लिखा होता है। तो ये हर्मिट का कार्ड आपको देखना है, ध्यान से हर्मिट देखिए, द हर्मिट। तो हर्मिट जो होता है, ये हाथ में लालटेन लिए एक बंदा है जो ढूंढ रहा है। तो लालटेन लेके ढूंढ रहा है या नीचे वो देख रहा है, तो ये एक दिखाता है एक बंदा अकेला है और ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ये दिखाता है एक बंदा लोनली है, अलूफ है, दुनिया से कटा हुआ है, अलग रह रहा है। तो अगर ये किसी का कार्ड आता है तो इसको हम यस कार्ड पे भी नहीं कंसीडर करेंगे, नो में भी नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में नेगेटिव कार्ड नहीं है। ये जैसे कह रहा है कि हाँ, अभी कुछ ढूंढना है, अभी कुछ बाकी है, समथिंग मोर विल हैपन, कुछ नॉलेज और चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है आपको। तो ये ना नो बोल रहा है ना यस बोल रहा है, अगर हम सिंगल कार्ड लेते हैं तो। और वैसे अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये दिखाता है कि ये बंदा जो है मेंटली और इमोशनली सब लोगों से दूर एक ब्रेक लेके अपनी स्टडीज में लगा हुआ है। ये रिसर्च कर रहा है, ये जो है एक इसको ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी, कई बार ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है। तो कई बार एक टीनेजर्स होते हैं जो पढ़ाई में घर से दूर चले जाते हैं, या कभी झगड़ा हो जाता है तो वो चाहते हैं कि हम अकेला रहें, दुनियादारी से दूर, लीव मी अलोन। तो ये कार्ड कहता है कि लीव मी अलोन, मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं खुद दुनिया से एक ब्रेक ले रहा हूँ। तो ये एक ब्रेक ले रहा है बंदा लाइफ से, लोगों से, दुनियादारी से एक ब्रेक लेके अपने अंदर एक सर्च पे निकला है अपनी। ये उसकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट भी हो सकती है कि मैं कुछ स्पिरिचुअली जानूं, आगे बढ़ूं। तो एक ये स्टूडेंट भी दिखाता है कि ये स्टूडेंट लाइफ में है, अपनी पढ़ाई में ये जो है कर रहा है, अपनी डीपर नॉलेज को, विजडम को ढूंढने में लगा है कि जिंदगी का मायने क्या है, विजडम के बारे में जानना चाहता है। और इसके साथ साथ हम दूसरे कार्ड्स भी निकालेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछे कि भाई ये होगा या नहीं, या तो उसमें ये कह रहा है कि अपने अंदर ही आपके आंसर्स हैं, आपको अपने अंदर खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ये अपने अंदर रिसर्च करो, लोगों से ज्ञान लो, या अकेले रह के स्टडी करो, तो आपको वहां से अपनी परेशानियों के आंसर्स मिलेंगे। ये दिखाता है कि ये बंदा एक स्पिरिचुअल हर्मिट है। तो हर्मिट अंग्रेजी में होता है कि भाई एक तरह से कह सकते हैं एक गुरु टाइप का व्यक्ति है जो अकेले रह के, तपस्वी कहते हैं, जैसे कि तपस्वी। तो ये तपस्वी है जो अपना अलग सीखना चाह रहा है, ये सिचुएशन को कंट्रोल करता है, और ये जो है लाइफ में जो है अपने पढ़ाई लिखाई में घुसा हुआ है, और ये लोगों से विथड्रॉ करा हुआ है, इसने लोगों से एक संपर्क इसका टूटा हुआ है। ये मेडिटेटर है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है। तो कई बार ये भी दिखाता है कि अभी कुछ दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजंस। तो अगर कोई डिसीजंस के लिए आता है तो येस और नो भी नहीं है। तो अभी हमें कोई डिसीजन में नहीं जाना, अभी हमें वेटिंग पीरियड है ये हमारा, और आइसोलेशन में जाके हमें कुछ जानना पड़ेगा। अगर ये रिवर्स में आ जाता है, रिवर्स में दिखाता है कि बहुत ज्यादा लोनली, बहुत ज्यादा लोनली है बंदा, और उस लोनलीनेस की वजह से उसको बीमारियां भी आ जाती हैं, जैसे लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं। तो ये एक्सेस सॉलिट्यूड में चला गया है, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर हिम। तो उसे और ये बंदा जो है ना दूसरे लोगों को सस्पिशियस हो गया है, जैसे एक मेंटल इलनेस से गुजरते हैं लोग तो वो दूसरों पर शक करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा शक्की स्वभाव का हो गया, मेंटल इलनेस से ये बंदा डील कर रहा है। तो
अगर ये पेंटिकल्स के साथ कार्ड आता है, पेंटिकल्स और हर्मिट में आता है, तो ये कह सकते हैं कि मनी की डिसीजंस को लेके ये बंदा टाइम लगा रहा है। अगर सोर्स के साथ आते हैं, सोर्स के साथ आ जाता है, सोर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन और क्रोध का होता है, तो सोर्स में आता है तो ये बंदा जो है शार्प वर्ड्स इसने बोले हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ के अकेला हो गया है। तो इस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन होती है हर्मिट की। तो दोस्तों, अगर आपको और अच्छे से और इन डेप्थ आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो प्रैक्टिकल क्लासेस आप लोगे, उसी से आपको अच्छे से आएगा। ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको कुछ कुछ पकड़ में आने लगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग संगीता हीलिंग टेम्पल्स। अपने इस वीडियो को अपने शेयर करना है। इस वीडियो में आपने अपने व्यू पॉइंट्स बताने हैं कि ये आपको कार्ड देखकर क्या लग रहा है इसके बारे में, इस कार्ड के क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ कार्ड आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और कमेंट बॉक्स में आपने अपने व्यूज शेयर करें कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो मेरे नंबर 9811142249 पे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सायोनारा।